सौरभ राजैन के खतरों के खिलाड़ी से एविक्शन के बाद अर्जुन बजलानी के साथ साथ कई लोगों का गुस्सा और फैंस का गुस्सा दिव्यंका पर भी उतरा। हालांकि दिव्यंका इसको लेकर सफाई देते देते थक गई, यहां तक कि सौरभ राजैन ने भी ट्विटर पर दिव्यंका को सपोर्ट किया। लेकिन अब दिव्यंका जो है ट्रोलिंग पर पहली बार बोली है। उन्होंने कहा है कि लोग बिना कुछ जाने समझे कुछ भी बोल देते हैं। तो उन्होंने एक हाल ही में इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा, मुझे आधी जानकारी के आधार पर पिछले कुछ दिनों से ट्रोल किया जा रहा है। बड़े अच्छे लगते हैं कि फैंस को मेरे शो का हिस्सा बनने की चिंता सताई जा रही है, और दूसरी तरफ खतरों के खिलाड़ी में सौरभ राजैन के एविक्शन के दौरान शो में जो मेरी आधी अधूरी बाइट दिखाई गई, यानी कि जो इंटरव्यू दिखाया गया जहाँ मैंने कहा कि किसी को बेदखल करना एक अच्छी रणनीति है, इसे लेकर सौरभ के फैंस सोच रहे हैं कि मैं उन्हें शो से बाहर करना चाहती थी, उन्होंने मेरा ताना नहीं समझा। वो आगे कहती हैं कि रोज सुबह उठकर ट्रोल्स का सामना करती हूँ, नज़रअंदाज नहीं कर सकती क्योंकि कुछ लोगों ने उन्हें पहले कहा था कि ट्रोलर्स को अनदेखा करना चाहिए क्योंकि किसी समय वो उग जाएंगे और रुक जाएंगे, लेकिन दिव्यंका को लगता है कि इन ट्रोलर्स को जवाब ना देने से होने वाला नुकसान कहीं अधिक है, सही संदेश सही समय पर जाना चाहिए। तो वो कहती हैं कि मुझे जो ट्रोलिंग है उसने स्कूल की याद दिला दी, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ जाने ट्रोलिंग करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि एक्टर्स के भी दिल होते हैं, हम भी इंसान हैं और हमें भी ये बातें जो हैं वो मानसिक तौर पर और भावनात्मक तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान करती है। जवाब देते समय वो कहती हैं, मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मुझे सम्मानजनक होना चाहिए क्योंकि शायद वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो किसी के फैन हैं। वो आगे कहती हैं कि ट्रोलर्स को जवाब देने से पहले मैं ये समझने की कोशिश करती हूँ कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। हो सकता है वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहे हो और इसलिए ऐसा कर रहे हो, इसलिए मैं जवाब देते हुए ये बहुत ध्यान रखती हूँ कि मैं जो है जो भी जवाब दूँ वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो, हर्ट ना हो, क्योंकि शायद वो मुझे इसलिए ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वो किसी के फैंस हैं और उनकी फीलिंग जो है हर्ट हुई है, और इसीलिए वो अपने उस इमोशंस को, अगर मैं कहूँ तो, ट्रोल करके या इस तरीके से प्रकट कर रहे हैं। तो दिव्यंका ने इस तरीके से अब बात की है और कहा है कि ट्रोलिंग करने वाले ये नहीं समझते कि एक्टर्स के भी दिल होते हैं, उन्हें भी बुरा लग सकता है।